मायावती ने एक बार फिर सपा बसपा के गठबंधन को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संरक्षक मुलायम सिंह यादव व बादरी पर जिस तरह से चीटाकसी की, उस पर भले ही समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ ना कहे, लेकिन पार्टी के कद्दावर नेता व फिरोजाबाद की सिरसागंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव ने मायावती पर निशाना साधा। साथ ही पार्टी के बड़े नेताओं को भी दी नसीहत, कहा कि मायावती कभी किसी की नहीं हो सकती और हमारे नेताओं ने अपनी निजी स्वार्थ के चलते किया था गठबंधन। माया के आरोपों का पार्टी नेताओं को देना चाहिए जवाब। के ऊपर मायावती ने फिर से प्रहार किए हैं, पुरानी बातों को लेकर पुराने घाव फिर से क्या होते हैं उकेरे गए हैं, क्या मानते हैं आपको और कहाँ कमजोरी इस बोलने का, कहाँ मौका किसने दिया है? देखिए, ये बात हमने जब रैली की थी 22 जनवरी को, उसी में हमने ऐलान कर दिया था कि ये गठबंधन बहुत गलत हुआ है और बहन जी 23 तारीख के बाद, काउंटिंग के बाद, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं को गालियां देके भागेंगे। वो वही सबके सामने आ गया। आज हमें बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा राष्ट्रीय नेता चुप बैठा, मायावती जी हमले कर रही हैं दनादन, और पार्टी पे करें तो करें लेकिन पूरे समाज पे हमले कर रहे हैं। बताइए, यादवों ने किसका शोषण किया, किसका उत्पीड़न किया, जबकि लगातार कई वर्षों से यादवों का शोषण उत्पीड़न होता आ रहा है। बसपा के ज़माने में बहन जी ने अगर सबसे ज़्यादा उत्पीड़न और शोषण किया तो यादवों का किया। झूठे मुकदमे लगवाए, जेल भेजे गए, तरह तरह के 310 के मुकदमे लिखवाए गए। जितना शोषण कर सकती थी बहन जी, उतना यादवों का शोषण किया। उसके बाद इस समय अगर किसी का शोषण हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो दो ही वर्गों का हो रहा है, यादवों का या मुसलमानों का। तो ये लगातार यादवों पर हमले हो रहे हैं। हमारी पार्टी के या राष्ट्रीय नेतृत्व को इस पर कुछ करना चाहिए, बैठ के बड़े नेताओं से बात करनी चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। अब मायावती जीरो पे थी, अगर यादव समर्थन नहीं करते तो बहन जी की एक सीट नहीं आती। ये यादवों को ही देना कि यादवों ने 90% 95% वोट गठबंधन को दिया है। हम तो अपने जिले से जानते हैं, जिस प्रत्याशी को कोई स्वीकार नहीं करता था, सिंगल आदमी जिसे वोट नहीं देना चाहता था, लेकिन गठबंधन के नाम पर यहाँ आदमियों ने उसको ही वोट कर दिया। यहाँ जमात नहीं बचनी चाहिए थी। मायावती प्रहार कर रही हैं कि मुलायम सिंह जी ने उनको कॉरिडोर मामले में फंसाने की साजिश की थी, और फिर अब जो भी दलितों पे अत्याचार हुए समाजवादी पार्टी के टाइम पे, इस वजह से समाजवादी। देखिए, बहन जी का कोई भरोसा नहीं है, किसके लिए कब क्या कह दें। जिन लोगों ने राखी बांधी थी, भाई बनाया था, उनको माफ नहीं किया। नेताजी जैसा बड़े दिल का नेता इस देश में दूसरा नहीं हो सकता। नेताजी ने महिलाओं का वो सम्मान किया, जब माननीय उमा भारती का लोकसभा में चीर हरण हो रहा था, तो पहले नेता थे मुलायम सिंह यादव देश में, जो उमा भारती जी नेताजी को गालियां देती थी, और उन्हीं का बचाव अगर किसी ने इस देश में किया था तो मुलायम सिंह यादव ने किया था। तो नेताजी तो ऐसे बड़े दिल के नेता हैं। और बहन जी के ऊपर नेताजी ने कभी कोई एक शब्द नहीं कहा, ना उनके खिलाफ कभी टिप्पणी की नेताजी ने, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। बहन जी बीजेपी बहुत साथी पार्टी है, उन्होंने जरूर बहन जी को कॉरिडोर में फंसाने का प्रयास किया, प्रयास नहीं किया। बहन जी का चरित्र सब जानते, बहुजन समाजवादी पार्टी की मुखिया से भ्रष्ट कोई नेता इस देश में नहीं है, उनका सब जानते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं सारी पार्टियों। क्या हाल होता था जब सरकार थी, थाने बिकते थे, उनके वर्कर और वो लोग लूटते थे जनता को, दलाली भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। अब जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पर भी हमला कहा है कि जब टूटने की बात आ रही थी गठबंधन को, तो अखिलेश जी ने सतीश शर्मा से बात की और मुझसे कोई बात नहीं की, या किस तरह की जो भी लांछन लगा रही। देखिए, अब बहन जी के बारे में हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते, वो किसके लिए क्या कह दें, सफेद झूठ बोलती हैं। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बात क्यों नहीं की, ये हम नहीं कह सकते, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहन जी के बीच का मामला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसी से पूछ के तो समझौता किया नहीं था, ना किसी को हवा लगने दी, खुद ही समझौता किया था। बहन जी अपने दल की सर्वेसर्वा मुखिया है, हमारे दल में प्रजातंत्र है, हमारे दल में जो भी बात होती है सामूहिक रूप से निर्णय लिया जाता है। नेताजी जब तक रहे तो नेताजी ने सबसे सलाह मशवरा करके निर्णय करते थे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अकेले
ये वाई में इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को कतई दोषी नहीं मानते। राष्ट्रीय अध्यक्ष समझे हुए समझदार हैं, वो किसी के खिलाफ कभी कड़ी टिप्पणी करते ही नहीं है। उनका व्यवहार सारे लोग जानते हैं कि वो किसी की आलोचना करते हैं तो शालीन तरीके से करते हैं, घटिया स्तर से नहीं करते। ये जो गठबंधन कराया था वो प्रोफेसर रामगोपाल ने अपने लड़के को जिताने के लिए कराया था। ये पार्टी का जो समाजवादी पार्टी की जो दृश्यता हो रही है वो सिर्फ प्रोफेसर रामगोपाल की वजह से हो रही है। हम अब भी कहेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, मेरा एक सुझाव है पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, कि अभी भी विचार करें और परिवार के लोगों को जोड़ें। हम चाहते हैं कि शिवपाल सिंह यादव को ही पार्टी में शामिल करें सम्मानजनक स्तर से, या बहन जी से बात कर सकते हैं जो नेताजी को पीपी के गालियां दी, तो वो तो चाचा हैं, चाचा को भी शामिल करना चाहिए पार्टी। उनका योगदान है शिवपाल सिंह का इस पार्टी में, सबसे ज़्यादा योगदान नेताजी के बाद अगर किसी का है समाजवादी पार्टी बनाने में तो शिवपाल सिंह यादव का। अब अंत में मैं एक ही सवाल दोबारा दोहराऊंगा कि मायावती जिस तरह से अब मुखर हो रही हैं, तो अब पार्टी के विधायक होने के नाते आप क्या जवाब दें? देखिए, हमारा तो ये है कि मायावती के जो मुखर हो रही हैं, जो हमला कर रही हैं पार्टी के लोगों को, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोल के, मैं ये नहीं कह रहा राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ कहें, लेकिन पार्टी के बड़े नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए बहन जी को, जैसे नेताजी के जमाने में रामचरण दास देते थे। नेताजी ने कभी जवाब नहीं, बहन जी का नाम भी नहीं लिया। हम कहेंगे अखिलेश जी अपनी छप ठीक रखें, उनकी छप ठीक है, आम जनता में ठीक है, भले नेता हैं, किसी के खिलाफ आक्रोश टिप्पणी नहीं करते, लेकिन पार्टी में और भी तो नेता हैं। मेरा लफंगा घूम रहा पार्टी समाजवादी पार्टी में, मेरे नेता लफंगे टाइप का बोध बहन जी के खिलाफ में, प्रवक्ता क्या कर रहे हैं लूटने के लिए, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी में जो बर्बाद कर दिया इन प्रवक्ताओं ने पार्टी को, उनको जवाब देना चाहिए बहन जी के खिलाफ, बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोल रहे? समाजवादी पार्टी ही असली पिछड़ों की पार्टी है। पिछड़ों का अगर सम्मान किसी ने इस देश में बढ़ाया था तो मुलायम सिंह यादव ने बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी ने हमेशा पिछड़ों की लड़ाई लड़ी है, कभी जातवाद की लड़ाई, समाजवादी पार्टी हर समाज की पार्टी है, कोई जातवादी पार्टी नहीं समाजवादी पार्टी। नेताजी ने संघर्ष करके इस पार्टी को बनाया था, हम चाहते हैं पार्टी मजबूत हो, लेकिन पार्टी का जो नुकसान हुआ है उस पर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी का ये नुकसान क्यों हुआ, पार्टी गर्त में क्यों दोनों दिन जा रही है, और अगर इस पर चिंतन मन नहीं हुआ तो 2022 में पार्टी की स्थिति बहुत खराब होगी। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।